अरे कोई है? अरे कहाँ चले गए? अरे कहूँ नहीं गए तो वो लड़का कहाँ समझावे गए तो कि तैयार यार करके चाय वाले के भेजा कम से कम लड़का का बाहर से कम मेहमान का चाय पिया दीन जाए। अच्छा कह रहे थे कि हमारे दिमाग में एक बात और आई है, अगर हम शादी गांव से ना करके हम राजस्थान से करें तो कैसा होगा? तो तुम्हार लड़का होगा, अब तुम्हार मर्जी, अब तुम चाहे राजस्थान से बियाह करा, चाहे बंबई से करा, चाहे दिल्ली से करा, चाहे कानपुर से, चाहे लखनऊ से, तुम्हें जहाँ से बियाह करेगा वहाँ से करा, गाँव से करा गाँव से करा, हमारे यहाँ कौन सी अड़चन वाली बात है जो तुम कही है वहाँ हुई नहीं। हम आपकी भी सहमति चाहते हैं, हमारी घरवाली ने कहा है कि हम अगर राजस्थान से अगर ब्याह करते हैं तो हमारा वहीं का वहीं पूरा का पूरा व्यवहारी और रिश्तेदार और खानदान पानदान और ऊंच नीच बात जो भी होगी सब वहीं देख ली जाएगी। कोई अपना टाइम निकाल के आ पाता है कि नहीं आ पाते इस चक्कर से है आपसे हमने पूछा है, वरना हमें कोई टेंशन नहीं है, राजस्थान से ब्याह हो जाए तो क्या दिक्कत है, और बढ़िया ही बढ़िया है सब। अब मैं क्या कहूँ, अब तुम ही समझा जाकर, अब मैं तो तुमका अपन लड़का देख चुके हूँ, यह सोचा कि तुम्हारा मोर लड़का तुम्हार होगा, लेकिन जो है तो अब तुम्हें जहाँ से ब्याह करे का हो तुम वहीं का फोन कर दीन है बता दीन है, तुम वही मैं लड़का लेके आ रही हो, तुम वहीं से ब्याह हो जाएगी। फिर बात डन रही, शादी जो है तो राजस्थान से होगी, वो भी रॉयल पैलेस से। भला रॉयल पैलेस कैसा पैलेस होता है? तो बहुत अच्छा है, आपके सोच से भी रॉयल पैलेस बहुत बड़ा है। अब मैं कहा जानू, मैं तो ठहरो गाँव का आदमी, अब तुम जो हो तो शहर वाले हो तो तुम्हें सब कुछ पता हो भैया, वही का पता, वही चप्पल खरीदे भी जाए का होता ना तो मैं अपने दोस्तों से कही देते तो वही खरीद के लिए आवा थे। अच्छा लड़की को बुलाइए अंकल। अंकल नहीं बिटिया, पापा कहो। पापा जी हमारे होने वाले पति को बुलाइए, हमें उनसे कुछ बात करनी है, कुछ उन्हें बताना है, कुछ उनसे पूछना है, बुलाइए। वाकई बहुत देर हो गई। बुलाया बे, दो मिनट दे, दो मिनट। हाँ रही गया। अरे तोरे समझ में नहीं आवा था कहा कर था यहाँ बैठाड़े ठाड़े बेचारे हुई तुका देखे लाने तरसे जाते, जल्दी बापू अम्मा चाय लेके तो आ जाए, बड़ी जल्दी पड़ी है, कहीं कर लेना भी आओ जाके बन जाओ उनका घर जमाई। अगर मैं तो उम्र का होते हो ना तो मैं ये जिल्लत की जिंदगी न जी रहे होते हो, आज राजा महाराजा बना होते हो, ऑफर अगर मोरे लगे आवत तो फट से हाँ कर देते हो। बड़े नखरा दिखावा था, अबे बिटिया नहीं इतनी नखरा दिखाती है जितना तय नखरा दिखावा था। वही तिबारा ना होगा पड़े, भलमनसी से चाय लेके आ, कहे कहाँ है तय? अरे आवत हूँ, चाय पकावत रही हूँ। जी बनाओ अच्छी पकाए चाय भला। हाँ उनका यह लागे कि जो है तो लड़का चाय बनाई सी। हाँ चाय के साथ यही का लेके आखा थूथून भी अच्छा बनवा दी ने, गधा जैसे लागे थे गधा जैसे। बापू बेइज्जती ना कर भला, अगर गधा लगते हो ना तो राजस्थान से रिश्ता ना आवत मोला ने। अलू भरे या तो कहा कि मोए बदला तार रिश्ता टिका या नहीं तो अभी तक उठ के चले जा, तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बतावत हूँ उनका। ला चाय लेके जल्दी से फिर्रा। हाँ कल हुआ भैया, एक तो दिमाग वैसे खराब करे है मोर बाप, और तुम और जो हो तो तुम मना नहीं कर सकते। कौन हो तू मना करे वाला? फिर्रा तो एक हकीकत बात बता दे तू, तोर किस्मत ना वाकई में चमक आ गए हुए, घर जमाई बने का तुका अवसर मिल रहा है, जौन दीदा समझे तोर सास ससुर टपक गए ना तो यह समझे कि तब घर का राजा। अरे तोरे लगे पैसा ही पैसा रही, पैसा ही पैसा। यहाँ तो कलुआ भैया ऐसा पैसा कौन सा काम कर जामा मैं घर जमाई बनू, तो कहीं भगवान दूसरा हाथ नहीं दीसिया का मुझका कमाया पला ने। तुम जमीन में एक फरुआ मरियो ना दन्न से पानी निकल रही वो जमीन से। वो भैया तुम कहते हो घर जमाई बने मैं तोर किस्मत खुल गए, ऐसी किस्मत ना चाहिए नहीं, कुछ तरकीब लगाओगा पड़ी इनका भगावे के लाने। अम्मा चाय बन गए कि नहीं? आधू बनत या थोड़ी सी रह गए है, एक खाऊ लो राजा फिर लेके आवत कप में डाल के आओ। आवत है मोल लड़का तैयार हुआ था, चाय बन गए है। काका टिर्रा कहा काका? आधू अंदर तैयार होता है, तैयार हुआ था कहे कहूँ जा था का दादू जाता अंदर जा टिर्रा का लेके बाहर आ जा। काका हो टिर्रा, ए टिर्रा अब बाहर इतनी भीड़ कहे अलागी, कहे तुम लोग अपन घर द्वार बेचा था का? घर द्वार नहीं बेचता है, यहाँ के सारे की विदाइया होती, दाई होती आए की विदाइया होती टिर्रा तोर। लुआ भैया का मजाक सूझा था, वही घर जमाई बनाओ के लाने आओ बाहर बैठे बिटिया वाले हैं, बिटिया वाले वही देखे आए आए हैं ने साथे राजस्थान ले गई मुई का घर जमाई बनाओ के लाने। अता मान गए? हाँ माने हो, विरोध कर तो रहा हूँ लेकिन मोर बाप महतारी नहीं सुनते हैं, कलुआ से कहे कोनो आइडिया बता, कलुआ भी नहीं कुछ बताओ बताए। कलुआ कहा बताई, कलुआ स्वयं मोर सारी का डकारगा है, चाहता ही है। चाहता है मतलब कि घर जमाई बन जाता तो ऐसे विदा हुई जात, बिटियन का विदा कीन जाता है, अब अपाई गाँव मानी लड़कन का भी विदा करे लागे। ए ननकू भाई मुई बचा ले यार, वही अपन घर द्वार छोड़ के कहूँ नहीं जा का, यह गांव के गलिया मुई का याद आई है, वह जामुन का पेड़ याद आई, आमन का पेड़ याद आई, खेत अपन पे याद आई है, यही मुई जबरदस्ती या पैसे दूर करते। टंटनान चाय बन गई। ए काकी ये सब कहा होत है, तुम अपन लड़का का घर जमाई बनवा के रखिया। दादू तुम्ही का पता अच्छा खासा घर का रिश्ता मिला जात है, आज करी हुआ या राज? राज तो जब करी जब यही का फुर्सत मिली, नहीं तो यही का वहाँ काम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, यही सारे का नौकर बना के रखिए, नौकर बना के। यह कहा था ननकू भाई का, ये जो है तो नौकर ढूंढे आए नौकर,
लड़का दामाद अब पति ढूंढे नहीं आया है। समझाओ अबे भी टाइम है बेचारे खातिर पाल पोस के इतना बड़ा कीन हो और तुम जो है तो वही का आपा से दूरी करे देता हूँ। जब बिटिया खातिर ब्याह के लिया तो जब लड़का बहू तुम्हारे घर में रही हो तो कितना नीक लगी कितना अच्छा रही आए और तुम जो है तो आपा लड़का ही का तुम दूर करे देती हो। की ननकू सही या कहा था मान जा ननकू की बात यह रिश्ता कैंसिल कर दो। अरे भगवान इनका जान दो पैसा जीवन है तो खूब पैसा ही पैसा है। अच्छा तो अब जो बाहर आए तो उनका क्या जवाब दीन जाए। मामा यह कह दे कि लड़का जो है तो मोर बहुत छोट है वह शादी के लायक नहीं आए वो चाय जी इतना कह दे। अब दिमाग है तोरे टिर रहा तो तोर तो शादी अब करके रही हूँ पकड़ चाय की ट्रे अले के चल तो घर जमा जब बनिए तो बनिए। भैया टिर रहा तो एक घर वाले का समझाना हमारे बस से बाहर है जान तोर काम जाने। मोर कोनो फरियाद सुने वाला नहीं है क्या धरती माँ मोर बाप महतारी का कोनो समझावा कि मुही घर जमाई नहीं बने का दैया मुही मौत के मुँह मानिया ढकेलती है वे। लाओ तोरे बाप का वह तो ही अब पधेल पधेल मारी जब तो अकल ठिकाने आई मैं चुपचाप ट्रे ले और चल बाहर उनका चाय पिया। आओ लाओ मोरी बर्बादी का सामान जा तू बा ननकू अगर तब मूड़े के बल बिठाड़ू जाइए ना तो ये खे बाप और महतारी न मनी है शादी करा के रही है ऐसे घर वाले न देखो मैं आराम से चाय न गिर पावे भला। हाँ आराम से ना नीक लागत है मोर दादू चाय की ट्रे पकड़े माँ तो कहा ठाड़े देखा था जा जाके वहाँ साथ दिया। ओ हम आ, नहीं तो काम है जाओ देखे साथ है। यार इनका दिमाग का फ्यू जुड़ गया का भोलेनाथ मोए लड़का का यह वाला रिश्ता पक्का करवा दिया वह घर जमाई बन जाई सब कुछ करे भी लागी सारे काम काज करी घर की पूरी सेवा करी अपने सास ससुर की सेवा करी अपने दीदी की भी सेवा करी सब कुछ करी लेकिन महाराज यह सही रिश्ता टूट न पाओ यह रिश्ता हुई जाए। भाई और बहनों दिल थाम के बैठो नए जमाने का नया दूल्हा आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है ये अदू चाय दे सबसे पहले अपने ससुर का दे देखे बाद अपनी सास का दे देखे बाद अपनी पत्नी का दे। लड़का तो बड़ा सुंदर है मुझे पसंद है पापा ये भी पसंद है ये दामाद जी। टुआ कुछ बता टिर्रा के बारे में। देखिए टिर्रा के सास ससुर जी हमारा टिर्रा बहुत हसमुख है और शर्मीला भी दोनों क्वालिटियां है इसके अंदर। दूसरी बात ये चाय बहुत अच्छी बनाता है खाना सबसे अच्छा बनाता है रोटी चावल भी बहुत अच्छे बना लेता है। दूसरी चीज ये हर काम में माहिर है जैसे झाड़ू पोछा कपड़ा धोना और आपकी सेवा करेगा हाथ पैर दबाना सब में ये माहिर है आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोनो नरमा का पैकेट न हो जो का हर तरह इस्तेमाल करे भला आज से बता रही जा यार बताओ मुझे तोर क्वालिटी तो इम्प्रेस हुई है सब कहाँ पे था। हर चीज करेगा हमारे हाथ पैर भी दबाएगा घर की भी सेवा करेगा खाना पीना भी बढ़िया बनाएगा और क्या है। और एक बात ये पैसा खर्चा करने में बहुत कंजूसी करता है अगर इसके पास 10 रुपए भी अगर इसके जेब में पड़े होंगे तो एक ही रुपए का सामान खरीदेगा 9 रुपए कल के लिए बचा लेगा। बस कर यार कलुआ एक तो मैं सोचे कि तब मोर बिया टड़वाई है तब तो मोर बिया जुड़वाओ मानी आई पूरा फिक्स कर दी ने तो हमें ऐसे ही लड़का तो चाहिए जो कंजूस हो 1 रुपए भी खर्चा ना करे। हाँ तो ये ऐसे ही लड़का है 1 रुपए खर्चा नहीं करता है ऊपर से हमसे खर्चा करवाता है। फिर हमको ऐसे ही दामाद चाहिए ये फिक्स हो गया ये हमारा दामाद है। और बताइए लेन देन की बात कैसे की किससे की जाए लेन देन का चाहिए बतावा हमका रुकिए क्या है बताइए। कह रहे हैं आज के लिए इतना काफी है अब आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी है। अंकल जी सही कह रहे हैं आगे की वीडियो कल मिलेगी। ये भाई नहीं है ये टर्रा का ब्याह बहुत अनोखा ब्याह होता है समझ लिया लड़की विदा हो की आवा थी लड़का के घर में लड़का जाते लड़की के घर में विदा हुई के भला ये घर जमाइया बने वाला है। और एक बात तुमका ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक कमेंट शेयर और चैनल में अगर पहली बार हुआ तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब तो चैनल भाई जय हिंद जय भारत जय श्री राम।